जो अज वाली कार्रवाई हुई है मैनू कल रात यदि इनफॉर्मेशन आ गई सी ते मैं पूरी रात नहीं सुता। मैं हर 15 मिनट बाद हर अद्धे घंटे बाद सीनियर अधिकारियों नाल गलबात फोन ते हर पल पल दी जानकारी लैंदा सी। मैं ओ मैं ये भी चाहुंदा सी कि शांतिपूर्वक होवे। बतौर होम मिनिस्टर एंड बतौर मुख्यमंत्री मैं अज तुहाडे नाल ये गल सांझी कर रहा कि 18 मार्च नूं जदों एक्शन होया सी जे गिरफ़्तार उस दिन करना हुंदा तां शायद उस दिन गोली चल जांदी। असीं नहीं चाहुंदे सी कि कोई खून खराबा होवे। जिस दिन अजनाला थाने दे अगे पालकी साहब दे विच गुरु ग्रंथ साहब जी की सवारी जिहड़ी ओह लैके गए, जदों मैनू इस बारे डी जी पी पुलिस ने जानकारी दित्ती तां मैं उहनां नूं सख्त निर्देश दित्ते कि कुछ भी हो जाए जिस पालकी साहब दे विच गुरु साहब सवार ने उहनां दी जिहड़ी सवारी है उहदे ते पाणी दा कोई छिट्टा भी नहीं पैणा चाहीदा, उहदे ते कोई पत्थर रोड़ा डला भी नहीं बजना चाहीदा। क्योंकि साडे लई सब तो वध जो मर्यादा है गुरु साहब की वो साढ़े लिए सब तो अहम है। उस दिन साढ़े कुछ पुलिस नौजवान जोड़े ने पुलिस के जवान उन्होंने सट्टा भी बजिया, टांके भी लगे सिर दे विच, पर असी गुरु साहब की मर्यादा लई अपना आप वार तैयार हाँ। तो पुलिस मुलाजमान असी शाबाशी भी दी कि तुसी उस दिन बड़ी मुश्तैदी वरती संजम दे नाल उस हालात का जिहड़ा टाकरा किया और काबू भी किया। सो पंजाब दे विच अमन शांति भाईचारक सांझ जिहड़ी है मैं पहला तो कहिंदा आ रहा कि यह बहुत ज़्यादा मजबूत है। पंजाब की धरती बहुत उपजाऊ है, बहुत जरखेज है। जिहड़ा भी बीज बीजोंगे इत्थे उग जांदा, पर नफरत दे बीज इत्थे नहीं उगदे ते ना ही असीं उगण देणे ने। आज़ादी लैके आउण दे विच वी साडी 90% कुर्बानियां ने पंजाब दीआं ते आज़ादी नूं संभालण दे लई साडे जवान अज वी सरहद्दां ते हिक तान के राखी कर रहे ने। कुछ दिन पहलां साडे 4 जिहड़े फौजी जवान योधे साडे जिहड़े शहीद होए ने सरहद्दां दी राखी। सो पंजाब ने हमेशा देश नूं लीड कीता, भावें उह आज़ादी दा संघर्ष होवे भावें हरा इनकलाब होवे, और पंजाब हमेशा लीड करता रहूगा। मैं चाहना कि जल्दी पंजाब जिहड़ा वो विकास के पक्षों, पढ़ाई पक्षों, इंफ्रास्ट्रक्चर पक्षों, तरक्की पक्षों नंबर एक सूबा बन जाए। जदों पंजाब नंबर एक सूबा बन गया देश का तो साढ़े देश नूं दुनिया का नंबर वन देश बनाने तो कोई नहीं रोक सकता।